मैं इवलेट कंपनी से हूँ। आज मैं आपको इवलेट कंपनी की स्कूटी डर्बी के बारे में फीचर बताऊंगा। आइए अब हम डर्बी के बारे में आपको कुछ फीचर बताएंगे इसके। जैसे कि आप देख रहे हैं डर्बी के टायर ट्यूबलेस टायर है, जो कि आगे भी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा, जो कि आगे डिस्क ब्रेक है डर्बी का, पीछे के टायर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों टायर ट्यूबलेस टायर है, और इसके साथ साथ की डर्बी की जो लाइट है वो हेलोजन लैंप में आपको टू शेडेड लैंप मिलती है, जो कि आप डे और नाइट दोनों को यूज कर सकते हो। डे के टाइम पे आपको व्हाइट लैंप मिलता है, ये आप लैंप यूज कर सकते हो डे के टाइम पे, जो कि आपके स्कूटी की लुकिंग को बहुत ही शानदार बनाता है। और नाइट के टाइम पे आपको वाइड एंगल लैंप मिल जाता है, जो कि आपके विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है ज्यादा से सरफेस एरिया कवर करके। जो डर्बी की पूरी बॉडी है वो पूरी डायमंड कटेड है, जो कि एक एरोडायनामिक लुक में आपको दिखाई देती है। साथ ही साथ जो इसके इंडिकेटर है वो LED इंडिकेटर आपको मिलते हैं इसमें। अब बात करते हैं डर्बी की स्क्रीन की। आइए इसमें कुछ मेन फीचर हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। डर्बी के में आपको कई सारे स्क्रीन में कई सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, जो कि जनरली नॉर्मल स्क्रीन में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि डर्बी अगर आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट के लिए हम जैसे आप स्टार्ट करोगे तो पार्किंग मोड से स्टार्ट होता है, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। कभी कभार क्या होता है कि हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और कोई बच्चा वगैरह आके या फिर हम फोन पे लगे हुए हैं, कोई साइड वाला आके और थ्रोटल रेस दे देता है, तो उससे क्या होता है एक्सीडेंटल चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने इसके अंदर पार्किंग मोड दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि जब तक आप पार्किंग मोड का जो बटन है वो पुश नहीं करोगे तब तक ये पार्किंग मोड में ही रहेगा। पुश करने के बाद जैसे ही आप पुश करोगे उस पर रेडी साइन आ जाएगा, तो आप चलने के लिए रेडी हो। जैसे कि आप देख रहे हो इसकी एक स्पीड फिक्स स्पीड है, जो कि एक दूसरा सेफ्टी फीचर है, जो कि सिर्फ नॉन रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स में होता है। इसके लिए आपको लाइसेंस RC पोल्यूशन किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। प्लस इसके मीटर में आपको कई बाकी चीजें भी देखने को मिलेगी, स्पीड इंडिकेटर, जैसे कि आप जितनी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे उतना आपको स्पीड दिखाई देगी। प्लस बैटरी लेवल आपको दिखाई देंगे, कितनी बैटरी परसेंटेज आपकी बची है और कितनी बाकी है। प्लस बाकी कोई भी अगर इन फ्यूचर इसमें फॉल्ट होता है तो पहले ही आपको डिटेक्ट करके ये आपको स्क्रीन बता देगा कि अगर कोई पार्ट फॉल्टी है तो आपको पहले ही इंडिकेशन हो जाएगा। जैसे कि हमारे साथी ने ब्रेक दबाया तो इसमें ब्रेक का साइन इंडिकेट कर गया, तो एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। प्लस ये ट्रिप मीटर भी आपको इसमें मिलेगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे और भी सेफ्टी फीचर है जो कि हम आगे डिस्कस करें। डर्बी में साथ साथ आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आप चलते स्कूटी को चलते चलते आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है कई बार हमें टाइम नहीं होता घर पे मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो अगर हम ड्यूटी या ऑफिस वगैरह में जा रहे तो यहाँ से आप मोबाइल चार्ज भी हम कर सकते हैं। आपको इसमें सेंट्रलाइज लॉक मिलता है, जिससे कि आप कीलेस स्टार्टिंग कर सकते हो। साथ ही साथ इसे लॉक करके आप अगर कहीं दूर जगह जा रहे हो या फिर लॉक आप कर रहे हो इसको, तो कि सेंट्रलाइज लॉक से आप जैसे ही लॉक करोगे तो इसमें कोई अगर छेड़ेगा तो इस कंडीशन में आपका पिछले वाला रियर व्हील जाम हो जाता है और इसमें सायरन की आवाज़ आने लगती है, अलार्म, एंटी थेफ्ट अलार्म, जिससे कि आपकी गाड़ी थेफ्ट होने से बचाई जा सकती है। अभी के खास बात है कि इसमें सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी बड़ी मिलती है। इसमें 2+1 की कैपेसिटी के साथ लोग बैठ सकते हैं। इसकी जो वेटिंग कैपेसिटी है वो 200 kg है। इसमें 2+1 यानी कि 2 adults + 1 child बैठ सकते हैं। इसमें आपको बूट स्पेस भी मिलता है। देखिए इसमें कोई छोटा हेलमेट रखने के लिए आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। एक सेफ्टी MC भी आपको मिलती है। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे कुछ टाइम तक तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि बैटरी की ड्रेनेज जो कि सिर्फ 1-2% होती है वो रुक जाती है। प्लस इस मॉडल में आपको बैटरी डिटैचेबल मिलती है। अगर आप फ्लोर पे रहते हो, फ्लोर वाइज रहते हो या फ्लैट में रहते हो या फिर जिस जगह आप रहते हो उस जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो आप इसकी बैटरी निकाल के दूसरी जगह चार्जिंग पॉइंट जहाँ पे हो वहाँ पे चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक हैवी वेट कैरियर मिल जाता है, जो कि आपको कोई सामान रखने के लिए मदद करता है, या फिर आप कमर्शियल यूज इसका कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोई डिग्गी भी लगवा सकते हो। आपको डिग्गी भी नहीं लगवानी तो ये पीछे से आपके स्कूटी को प्रोटेक्ट करता है। डर्बी में कोई नंबर प्लेट नहीं है, इसलिए आप सिंपल आपको ग्रीन कलर की नंबर प्लेट मिलती है।
ये नॉन रजिस्ट्रेशन व्हीकल है इसलिए इनमें नंबर प्लेट की रिक्वायर्ड नहीं होती। साथ ही साथ इसके जो टायर है वो काफी हैवी टायर है, मेट्रो कॉन्टिनेंटल के टायर हम यूज करते हैं जिसकी ग्रिपिंग पावर बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल से ज्यादा बड़ा साइज है। प्लस इसमें जो इसके शोकर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ है, जिस कंडीशन में आपको गड्ढे वगैरह में जो आपको प्रेशर आपके शरीर पे लगता है उसको 50% कम करता है। स्पेस के लिहाज से भी काफी सुविधाजनक है। स्पेस के लिए इसका लेग रूम काफी बड़ा है जिसमें कि बड़े से बड़ा कोई बैग आ सकता है। साथ ही कोई सामान टांगने के लिए आपको हुक भी मिल जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताए डर्बी के फीचर। तो ऐसे अधिक जानकारी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।